क्या पढ़ रहे हो जब तुमको आता नहीं तो? क्या पढ़े हो उसमें से? मैं अकाउंट्स ही कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो? क्या अच्छी देख रहे हो? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटो लेवल्स के बारे में सीखेंगे। अभी हमारे पीछे ये ट्राईपैड लगा हुआ है, जैसे ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ट्राईपैड है। ट्राईपैड को सबसे पहले ये ट्राईपैड का ये टॉप का सबसे पहले हम लोग इसको ही लेवल में रखते हैं। अगर ये लेवल में सही हो गया तो अपनी ऑटो लेवल मशीन पूरी तरीके से सही बैठेगी। ट्राईपैड को ये स्क्रू होते हैं, इनको अच्छी प्रकार से पहले कस लेने चाहिए। अगर ये स्क्रू खुल गए तो अपनी मशीन बाउल करने के बाद भी हिल सकती है। तीनों स्क्रू को अच्छी प्रकार कसने के बाद उसको जमीन में पैर से अच्छी प्रकार से दबा लेने चाहिए। अब ये हमारा ट्राईपैड स्टैंड पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। आपको ऑटो लेवल लगाना सिखाएंगे। ये हमारी ऑटो लेवल मशीन है। इसको सेट करने के लिए हमेशा ये स्क्रू द्वारा इसको ट्राईपैड के टॉप की सरफेस पे बीच में अच्छी प्रकार रख के इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से अच्छी प्रकार कस लेना है। अब हमको मशीन का बबल करना है। ये आप लोग अभी देख सकते हैं ऑटो लेवल का बबल आउट है। अब इस बबल को हम लोग बीच में कैसे लाते हैं मैं ये बताता हूँ। पहले इसको बबल लाने के लिए हम लोग को किसी भी दो स्क्रू लेवलिंग स्क्रू, इसको बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू, किसी भी दो लेवलिंग स्क्रू के पैरलर हम लोग को मशीन को ऐसे करना है। अब या तो दो इसके थ्रू कर लेंगे या तो इन दोनों के थ्रू कर लेंगे। दो लेवलिंग स्क्रू के पैरलर हम लोग को पहले मशीन सेट करनी है। अभी हमारी ऐसे हो गई मशीन सेट। अब जैसा कि बबल को दिखाते हुए अभी बबल हम लोग का आउट है। अब हम इस बबल को लेवल में लाने के लिए, बीच में लाने के लिए सबसे पहले जो इसके इन पैरलर स्क्रू के जो 90 पे है उसको मूव कराएंगे। अभी देखिए हमारा ऑटो लेवल पूरी तरीके से बबल हो चुका है। अब हम बबल होने के बाद ऑटो लेवल को फ्रीली हैंड से घुमा के 3-4 बार चेक करते हैं कहीं बबल आउट तो नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार को पूरी तरीके से हिला के मशीन को देख लेना चाहिए कहीं बबल तो आउट नहीं हो रहा है। देखिए हमारा बबल जैसे था वैसे बीच में ही टिका हुआ है। ये हमारा लेवलिंग स्टाफ है। पहले आप लोग को मैं लेवलिंग स्टाफ ऐसे डायरेक्ट पढ़ना बता देता हूँ। जैसे ये हुआ हमारा, अभी हमें एक क्रॉस बना मिलेगा ऑटो लेवल में दिखेंगे तो ऐसे सर्कल में बना हुआ तीन लाइनिंग मिली होती है। सर्कल में बना हुआ तीन लाइनिंग मिलती है मेरे हाथों पे देख सकते हैं। ऑटो लेवल में देखने पे इस प्रकार की लाइन बनी होती है। इसमें सर सबसे बीच वाली जो ये सबसे बीच वाली लाइन है इस पर हम लोग रीडिंग्स पढ़ते हैं। ऊपर और नीचे की जो लाइन्स है उसका हम लोग डिस्टेंस निकालने में यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। अभी हम लोग ऑटो लेवल से रीडिंग लेना, लेवल निकालना सीखते हैं। अभी जैसा कि ये हम लोग का लेवलिंग स्टाफ है और ये अभी बॉटम से लेके यहाँ तक 1 मीटर है। बॉटम से लेके वहाँ तक 1 मीटर हो गया। अब हम लोग अगर इसकी बात करें तो 1.0 ये 5 mm, वाइट वाली पट्टी 5 mm, फिर ब्लैक वाली पट्टी 5 mm, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक एक, तो इसमें रीडिंग पढ़ेंगे 1.01234533। अगर यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे दिखा था बीच वाला क्रॉस तो हम लोग 1.054 पढ़ते और यहाँ आता तो 1.055 पढ़ते, यहाँ आता तो 6 पढ़ते, यहाँ आता तो लास्ट में 7 पढ़ते, यहाँ आता तो 9, यहाँ आ जाता तो 1.060 पढ़ते।
क्या पढ़ रहे हो जब तुमको आता नहीं तो? क्या पढ़े हो उसमें से? क्या देख रहे हो? क्या अच्छी देख रहे हो? तो चलो दोस्तों, अभी मैं आप लोग को साइड पे एक्चुअल दिखाता हूँ कैसे बैक साइड होती है, कैसे ऑटो लेवल को बबल करने के बाद कैसे बैक साइड होती है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और कैसे लेवल निकालते हैं। थ्योरेटिकली भी पार्ट सिखाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें साइड पे भी सीखेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग कॉपी पे भी सीखेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं अपने TVM के पास। TVM को हम लोग टेम्प्रोरी बेंचमार्क बोलते हैं। ये TVM हमेशा ऐसे जगहों पे बनाया जाता है जो परमानेंट हो। TVM हमेशा ऐसे फिक्स कर दिए जाते हैं जो चीज़ परमानेंट हो। जैसे अभी हमारे ये MNB की स्ट्रक्चर की वाल है, अब ये हिल नहीं सकता। अगर हम लोग TVM ऐसे किसी चीज़ों पे बना दें जो हिल जाए, जो फिक्स ना हो, तो हमारा लेवल गड़बड़ हो जाएगा। अभी जैसे ये लिखा हुआ है, एक मार्किंग दिया जाता है TVM की पहचान के लिए साइडों पे, जो लिस्ट में अपडेटेड रहता है TVM लिस्ट में, PL 418/2A। ये चैनेज वाइज कर देते हैं। अभी जैसे हम लोग चैनेज है अपने हाईवे में, ये आगे मैं वीडियो में बताऊँगा, 418/2A ये पॉइंट है, ये TVM का हमारा पॉइंट है जो फिक्स है। अब ये कभी हिल नहीं सकता ये पॉइंट, इस वजह से मेरा RL एकदम हमेशा के लिए फिक्स है। अब इसका TVM लिस्ट में हम लोग RL देखेंगे और स्टाफ इस पे रख के ऑटो लेवल से बैक साइड करेंगे। स्टाफ इस पे रख के ऑटो लेवल से रीडिंग्स पढ़ेंगे और उस रीडिंग्स की क्या करेंगे आगे मैं कैलकुलेशन में बताता हूँ। दोस्तों आइए आप लोग को कुछ मैं थ्योरेटिकल पार्ट से समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये हमारा ऑटो लेवल बबल करने के बाद खड़ा है और ये हमारा TVM है टेम्प्रोरी बेंचमार्क। पूरे प्रोजेक्ट में, हाईवे का प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, इसमें हमें हर जगह एक TVM जो परमानेंट होता है, जो फिक्स होता है, जो हिलता बिल्कुल नहीं है। नहीं तो अगर हिल गया ये तो हमेशा फिक्स जगहों पे बनाया जाता है। अगर ये हिल गया तो RL आप लोग का डिस्टर्ब हो जाएगा। RL को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस लेवल। कहीं भी काम करने के लिए हमें टेम्प्रोरी बेंचमार्क दिया जाता है जिसका RL हमें पता होता है या दिया जाता है सर्वे टीम द्वारा। ये MNC लेवल से ट्रांसफ़र करके लाया जाता है। तो मान लीजिए ये TVM हमारा साइट पे, ये ऑटो लेवल हमने लगा दिया और ये ग्राउंड हमारा है और इसी ग्राउंड पे ये हमारा TVM बना हुआ है। इस TVM के टॉप पे हम लोग स्टाफ रखते हैं। इस TVM का RL हमें मिल गया है 101.000। अब हम सबसे पहले ऑटो लेवल को बबल करके फिक्स करने के बाद बैक साइड करते हैं। यहाँ से हमने रीडिंग पढ़ी, स्टाफ को TVM पे ऊपर फिक्स करके सीधा एकदम पकड़ना है, उसके बाद हम लोग ने रीडिंग पढ़ी। तो सबसे पहले TVM RL हमारा 101.000 है, उसके बाद मैंने बैक साइड पढ़ा। यहाँ पे खड़े होके ऑटो लेवल से बैक साइड पढ़ा तो मेरा रीडिंग आया 1.000। अब हम इसको HI बनाना है। HI में TVM के RL को और बैक साइड को जोड़ते हैं जिससे मेरा HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलता है तो TVM का RL क्या है 101.000 में हम 1.000 जोड़ते हैं तो 102.000 ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि हम लोग इसको जोड़ क्यों रहे हो, बैक साइड को TVM के RL को जोड़ क्यों रहे हो। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सरफेस है, हमने इस पे ऑटो लेवल लगाए, बबल किया, उसको फिक्स किया। अब हमने फिक्स करने के बाद अब हमने इस पे क्या किया, यहाँ से बैक साइड किया। ये भी हमारा इसी सरफेस पे है, ये ग्राउंड है अपना, ग्राउंड पे भी TVM फिक्स है, इसका हमको लेवल पता है। और यहाँ से मैंने बैक साइड पढ़ा और ये ऊंचाई। अब हमको ये स्टाफ में जो रीडिंग निकलती है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हाइट है और हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है, TVM के टॉप की वैल्यू पता है कि इसका लेवल, या जो भी मान लीजिए इसका लेवल RL रिड्यूस लेवल 101 है।
फिर इसके बाद हमने इसको जोड़ देंगे तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकल जाएगी। तो 101 प्लस 1 ये हमारा इसीलिए जोड़ते हैं, ये सरफेस एक सरफेस हो गया, यहाँ का हमको लेवल पता है और हमको यहाँ का लेवल निकालना है। तो यहाँ यहाँ के लेवल में अगर ये हम ऐड कर देंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा कि इस लेवल से हमारे कितनी ऊंचाई पे मेरा मशीन लगा है, यहाँ का हमारा लेवल निकल गया, इस लेवल से हमारी कितनी हाइट पे ऑटो लेवल सेट है। तो इसको इसी वजह से हम लोग जोड़ते हैं, मेरा एच आई निकल गया, एच आई की वैल्यू आ गई मेरी 102.000। अब हम क्या करते हैं, अब हमको एच आई निकल गई, एच आई से अगर हमको किसी और सरफेस का लेवल निकालना है, अब ये मशीन मेरी फिक्स हो गई, इसको हम ना हिला सकते हैं, मशीन को कहीं भी हिलाना नहीं है, मशीन हिले ना बिल्कुल, बबल आउट ना हो। अब हमको किसी भी सरफेस का, कहीं भी ग्राउंड में किसी भी सरफेस का अगर लेवल लेना हो, मान लीजिए जैसे हमारा अभी ये ग्राउंड था, इस ग्राउंड पे मेरी मशीन सेट हो गई, लेकिन ये ग्राउंड ऊंचा दिख रहा है, इस ग्राउंड से इस ग्राउंड का लेवल ऊंचा दिख रहा है, अगर हमको इस ग्राउंड का लेवल लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसका पे फोक्सन इधर करेंगे, फिर यहाँ पे मैं ऑटो लेव ये अपना लेवलिंग स्टाफ रख के यहाँ से हम लोग रीडिंग्स पढ़ें। रीडिंग्स जब पढ़े तो इसकी रीडिंग्स आई 0.5 मीटर, 0.500। एच आई के बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद हम लोग अगर 10 रीडिंग 20 रीडिंग जितनी भी रीडिंग्स लेते हैं सब वो आईएस जाती है, उसको आईएस का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट साइड। जब टीवीएम क्लोज करते हैं लास्ट जो रीडिंग लेते हैं उसको फोर साइड बोलते हैं। एच आई और फोर साइड के बीच में जितनी रीडिंग्स जितने लेवल्स हम लोग लेंगे सब इंटरमीडिएट साइड आएंगी बीच की। तो यहाँ से अभी इसका लेवल हम लोग को लेना था, ये ग्राउंड हम लोग को इस ग्राउंड से ऊंचाई पे दिख रहा है, तो इस वजह से जब इधर से मैंने उसी एच आई से ऑटो लेवल्स को हिलाया नहीं, इससे हम लोग रीडिंग्स पढ़े, तो अभी रीडिंग अपनी आई आई एस 0.5000। इसको एच आई में से हम लोग माइनस कर देंगे, एच आई में से माइनस क्योंकि हमारा एच आई तो ये बन गया है, एच आई हमारा जो बना है यहाँ से इसके सापेक्ष में, यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 102.000। अब हम लोग को यहाँ का लेवल निकालना है, इसका हम लोग फोक्सन इधर किए, रीडिंग्स पढ़े, इस लेवल का तो 0.55, अगर हम लोग को इसके सापेक्ष ये ऊंचा है या नीचा है निकालना होगा, तो यहाँ का हमको लेवल पता चल गया पढ़ने के बाद, एच आई को यहाँ से पढ़ने के बाद एच आई में से 102.00 में से आर एल को माइनस कर देंगे, जो वर्किंग आर एल है ये 0.55, एच आई में से आई एस को माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल आर एल आ जाएगा इस लेवल का। अब यहाँ से 0.500 मीटर डाउन हो गया, एच आई में से इतनी रीडिंग माइनस कर देंगे तो इसका लेवल निकल जाएगा, क्योंकि इसका तो लेवल हमें पता है ही, एच आई ही पता है 102.00। अब इस लेवल से रीडिंग्स पढ़ें 0.500, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 ऊंचा है, तो एच आई में से ये माइनस कर देंगे तो नीचे आ गया हम लोग, इसका लेवल निकल गया, तो एक्चुअल लेवल हमारा निकल गया इस सरफेस का लेवल। ऐसे ही कोई भी सतह हो, इसके सापेक्ष में कोई भी सतह हो, सबका हम लोग लेवल्स निकाल सकते हैं। ऑटो लेवल्स में से देखने पे ये ऐसे दिखता है, हमेशा हमें रीडिंग बीच वाले कर्सर से लेनी है, इन दोनों का उपयोग हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं, वो कभी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर कुछ थोड़ा बहुत भी आप लोग को ऑटो लेवल्स के बारे में बेसिक नॉलेज भी मिली हो, कुछ भी मिला हो, तो मेरा चैनल हाईवे मेकर विकास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।